और वहीं दूसरी ओर हाथरस हादसे पर यूपी की सियासत गर्म हो गई है। अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश आरोपियों की गिरफ्तारी के खिलाफ बोल रहे हैं और उसके ठीक उलट मायावती सूरजपाल समेत आयोजकों पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। यानी विरोधी अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से इस पूरे मामले पर सियासत कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। हाथरस हादसे पर विपक्ष का अलग सियासी राग। अखिलेश ने आरोपी की गिरफ्तारी पर ही उठाए सवाल, तो मायावती ने की आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। हाथरस हादसे के गुनहगारों की धरपकड़ जारी है। यूपी सरकार की तरफ से गठित न्यायिक आयोग की जांच शुरू हो गई है, तो पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कई आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ के आधार पर इस घटना की हकीकत उजागर करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इस दर्दनाक हादसे पर सियासी दल भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। यूपी का मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पुलिस की जांच पर ही सवाल उठा रहा है। वहीं डीएसपी सुप्रीमो इस मामले में एक्शन लेने में किसी भी तरह की सुस्ती ना बरतने की नसीहत दे रही है। दरअसल यूपी पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत करीब आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक आरोपी के परिवार ने उसे निर्दोष होने का दावा किया है। हालांकि इस दावे की पुष्टि के लिए कोई सबूत नहीं पेश किए गए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने गिरफ्तार आरोपी के परिवार के हवाले से जांच प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाकायदा पोस्ट लिखकर बेकसूरों को फंसाने का आरोप लगा दिया है। अखिलेश ने कहा कि यूपी सरकार हाथरस हादसे में अपनी नाकामी छुपाने के लिए छोटी छोटी गिरफ्तारियां दिखाकर सैकड़ों लोगों की मौत से अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ना चाहती है। ये गिरफ्तारियां स्वयं में एक षड्यंत्र है। इन गिरफ्तारियों की न्यायिक जांच हो, जिससे भाजपा सरकार का खेल जनता के सामने लाया जा सके। जांच हाथरस जिले में नहीं हो रही है, जांच आगरा जोन में नहीं हो रही है, क्योंकि आगरा की एडीजी को जांच अधिकारी बनाया गया है। जांच लखनऊ में हो रही है और लखनऊ से निर्देशित किया जा रहा है। लगातार जात विशेष के लोगों को चिन्हित करके इस पूरे मुद्दे को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। जबकि सच बात यह है कि जो सरकारी अव्यवस्था थी, पुलिस की अव्यवस्था थी, उसकी जिम्मेदारी अभी तक मुख्यमंत्री ने नहीं ली, न प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जो व्यवस्था नहीं कर पाए। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी हादसे को लेकर यूपी सरकार पर तो हमलावर है, लेकिन बाबा सूरजपाल पर चुप्पी साधे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बाबा सूरजपाल को ढोंगी बताते हुए ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल बाबा सूरजपाल अनुसूचित समाज से आते हैं और उनके अधिकांश भक्त भी एससी समाज से ही ताल्लुक रखते हैं। यूपी में एससी समाज बीएसपी का कोर वोटर है, इसीलिए मायावती ने बाबा के भक्तों से बीएसपी से जुड़ने की अपील भी की। मायावती ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भगदड़ के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। गरीबों को भोले बाबा जैसे बाबाओं के अंधविश्वास व पाखंड वाद के बहकावे में आकर अपने दुख व पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहिए। भोले बाबा सहित जो भी दोषी हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को राजनीतिक स्वार्थ में बिल्कुल सुस्त नहीं होना चाहिए। मायावती भले ही खुलकर भोले बाबा पर एक्शन की मांग कर रही हो, लेकिन बाबा के भक्तों के वोट के चक्कर में अधिकतर सियासी दल इस मामले पर गोलमोल स्टैंड ले रहे हैं। विपक्षी दल आयोजकों और बाबा पर नहीं बल्कि यूपी सरकार पर ही हमलावर है। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री को हटा देना चाहिए, एएनआई को गृह मंत्री के रूप में कर लेना चाहिए, क्योंकि न्यूज एजेंसी एएनआई को बाबा की फुटेज मिल जाती है, उनका बयान मिल जाता है, उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी सरकार उनको ढूंढ नहीं पाती है। एक बात। दूसरी बात, बाबा स्पष्ट रूप से सरकार पर भरोसा रखने की बात कर रहे हैं और सरकार बाबा के खिलाफ एफआईआर नहीं कर रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है ये बताना पड़ेगा, ये संयोग है या प्रयोग है ये बताना पड़ेगा। हाथरस हादसे की गूंज दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सुनाई दे रही है। हादसे में 100 से ज्यादा परिवारों को कभी ना भूलने वाला जख्म मिला है। यूपी के विपक्षी दल इसी जख्म पर अपना सियासी भविष्य देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
हाथरस मामले में पुलिस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस ने बताया कि 1 लाख रुपए के इनामी आरोपी मधुकर को नजफगढ़ से गिरफ्तार किया गया। हाथरस हादसे पर पुलिस का बयान, अव्यवस्था की वजह से हादसा हुआ, चरण रज के लिए मची थी भगदड़। हाथरस हादसे की जांच हुई तेज, घटनास्थल पर पहुंचा न्यायिक आयोग, मौके पर टीम ले रही घटनास्थल का जायजा। जयप्रकाश मधुकर को हाथरस अस्पताल लेकर पहुंची पुलिस की टीम, मेडिकल के बाद हाथरस जिला कोर्ट में होगी पेशी। हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी मधुकर से पूछे गए 24 सवाल, सूत्रों के हवाले से खबर, फरार होने के लिए किन लोगों से मदद मांगी। बसपा प्रदेश अध्यक्ष की हत्या पर कार्यकर्ताओं में आक्रोश, चेन्नई के राजीव गांधी अस्पताल के बाहर बसपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। तमिलनाडु बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष की हत्या के विरोध में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, लोगों ने सड़क जाम कर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया, सरस्वती वंदना और सूर्य नमस्कार का विरोध करें मुस्लिम छात्र, सूर्य नमस्कार को दूसरे धर्म पर थोपना गलत है। जमीयत के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा 1947 में हमारे पूर्वजों ने मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज दिया होता तो धर्म के आधार पर ऐसे लोग निकलकर नहीं आते। बिहार में पुल गिरने के मामले में एक्शन, 15 इंजीनियर सस्पेंड किए गए, जल संस्थान विभाग के 11 और ग्रामीण कार्य विभाग के 4 इंजीनियर शामिल। पेपर लीक विवाद के बीच नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित, सूत्रों के हवाले से खबर, नई तारीख का जल्द होगा ऐलान, आज से शुरू होनी थी नीट यूजी की काउंसलिंग। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकवादियों के घिरे होने की खबर है, मुठभेड़ में 1 जवान जख्मी हुआ। दिल्ली की राउंड 70 कोर्ट से आप नेता मनीष सिसोदिया को झटका, 15 जुलाई तक बड़ी मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत, शराब घोटाला मामले में है आरोपी आप नेता। मथुरा में पानी की टंकी गिरने का मामला, मामले में पुलिस ने एक आरोपी त्रिलोक सिंह रावत को गिरफ्तार किया है, 2 नामजद आरोपियों की तलाश में पुलिस ने दबिश दी है। यूपी के सीतापुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, रामलीला मैदान के पास बने अवैध कब्जे को बुलडोजर से ढाया गया। राजस्थान की टोंक में देखते ही देखते पानी में बह गया ट्रक, घटना से मचा हड़कंप, ट्रक में सवार लोग नदी में बहे। मध्य प्रदेश के भिंड में सामूहिक नकल करते दिखे छात्र छात्राएं, जांच के दौरान हुआ खुलासा, मामले की जांच तेज। गुवाहाटी में भारी बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुश्किल, बारिश के चलते शहर के कई हिस्से जलमग्न हुए। मध्य प्रदेश के दमोह में मूसलाधार बारिश की वजह से स्कूल में पानी भरा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जलभराव की वजह से शिक्षक और बच्चे परेशान हुए। पहाड़ से मलबा आने की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद, कई घंटों की मेहनत के बाद हटाया गया सड़क से मलबा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसकने से नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद, मशीन खोदने वाली मशीन से हटाए गए पत्थर। यूपी के सीतापुर में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, सड़क और घरों में पानी जमा होने से लोगों की मुश्किलात बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तेज रफ्तार टेम्पो ने बुजुर्गों को टक्कर मारी, उछलकर काफी दूर तक जा गिरा बुजुर्ग, इलाज के दौरान मौत हुई, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी की झांसी में करंट लगने की वजह से पति पत्नी की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, खेत में काम करने के दौरान हुआ बड़ा हादसा। यूपी के मुजफ्फरनगर में ई रिक्शा को बचाने के चक्कर में बेकाबू होकर 2 बसें खाई में पलटी, हादसे में बस ड्राइवर की मौत, कई लोग घायल, अस्पताल में भर्ती कराया।